ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ब्लू सफायर मॉल में आज दर्दनाक हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान चली गई है। शकील के परिजन मेरे साथ मौजूद है। कैसा हादसा हुआ था शकील, क्या करते थे यहाँ पर? शकील सर पेंट का काम करते थे और हरविंदर जी तो हमारे बड़े भाई थे, वो भी यही काम करते थे। तो ये सुबह जैसे आए 10-11 बजे के बीच में, 12:30 बजे वो यहाँ पे खड़े थे। उसी टाइम जो है ऊपर से इस कल का पैनल, इस पैनल के बारे में कल भी शिकायत करी गई थी, आंधी चल रही थी, कल भी हिल रहा था वो, तो किसी ने ना तो हटाया ना सेटिंग। कोई उसके बाद कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद इसको हटाया जा सके पैनल को, इसके चलते आप इसको जिम्मेदार सर? जिम्मेदार तो मेंटेनेंस है, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है, चलो कोई नहीं, ये तो खैर ये भी बहुत गलत हुआ। लेकिन आज संडे का दिन है, बहुत भीड़ रहती है, जैसे यहाँ पे भीड़ है वैसे भीड़ रहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शकील के परिजन से आपकी बात हुई, आप भी उनके जानने वाले, उनके परिवार के कितने बच्चे हैं और हरविंदर बच्चे छोटे शादीशुदा है, बीवी है और शकील के भी 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 30 से 35 साल की दोनों की अभी उम्र है, अभी तो कुछ नहीं है। क्या मान कर रहे हैं आप? मान तो सर ये मैं ठीक रहा हूं, बात मान ली है, उनके बच्चे के लिए कुछ हो जाए। तो ये थे शकील के परिजन और हरेंद्र को अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर सर हमारे ये सुनवाई नहीं करेंगे कुछ, तो हम डेड बॉडी यहाँ पे ला के रखेंगे और यहाँ से जब ही हटेंगे जब हमारे कुछ सुनवाई होगी। तो ये शकील और हरेंद्र के जानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि इस दर्दनाक हादसे में उन दोनों की तो जान चली गई, लेकिन उनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार का कैसे पालन पोषण होगा, इसको लेकर संबंधित बिल्डर को ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाई है, कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम डेड बॉडी लेकर इसी मॉल के सामने रख देंगे। नोएडा से भारत 24 की न्यूज में साझा करेंगे।